हमारे चैनल सुपर अनबॉक्सिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और लेके आए हैं हम एक दूसरा नया वीडियो, एक दूसरा मोबाइल का अनबॉक्सिंग वीडियो। ये भी एक फ्लिप मोबाइल है आइकल की साइड से, आइकल K65 फ्लिप मोबाइल। तो उसका पैकेट का हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे। तो ये था वो डिब्बा जो अभी फ्लिपकार्ट से ये मैंने मिला है, अभी डिलीवरी हुआ है। तो इसको, इसके अंदर है आइकल K65 मोबाइल। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं, फटाफट पैकेट को खोलते हैं। और ये है उसका बिल, मैं आपका थोड़ा दिखा देता हूँ। ये कुछ है इसका प्राइस। तो इसका जो प्राइस है ये है 1499 रुपीज़। तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, देखते हैं कैसा है। तो ये प्रॉपर पैकिंग के साथ आया था, बहुत ही अच्छा पैकिंग दिया गया था। और मोबाइल को निकाल लेते हैं। और मोबाइल कुछ इस तरीका है, आईकॉल K65। ये एक फ्लिप फ़ोन है, आप देख सकते हैं। बॉक्स तो ओवर भी कुछ इस तरीका है, ऊपर में आईकॉल का ब्रांडिंग लिखा है, आईकॉल K65 प्रीमियम प्रोडक्ट। थोड़ा फोकस करके दिखा दूँ, तो ये था और दिख रहा होगा। हाँ, बॉक्स में साइड में देख लेते हैं क्या क्या है और कुछ स्पेसिफिकेशन इसका। हाँ, यहाँ पे पीछे कुछ लिखा है, यहाँ पे लिखा है FM रेडियो म्यूज़िक और ऑडियो प्लेयर ब्लूटूथ। SD कार्ड इसमें सपोर्ट करता है अप टू 32 GB। और इसमें है 2.4 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, कैमरा मिलेगा कैमरा। और इसमें, हाँ, इसमें डुअल डिस्प्ले है। इसका जो फैसिलिटी है, इस मोबाइल पे डुअल डिस्प्ले है, मतलब अंदर भी डिस्प्ले है और बाहर फ्रंट में भी डिस्प्ले है। और इसमें दोनों लैंग्वेज सपोर्ट करता है, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। और ये डुअल सिम वाला फ़ोन है, बस यही कुछ लिखा है। और नीचे बस लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कस्टमर केयर के लिए ये सब है। तो चलिए जल्दी से दूसरे साइड का देख लेते हैं क्या है। दूसरे साइड में कुछ ऐसा है, तो चलो आप फटाफट से फ़ोन को निकाल लेते हैं। इसका सील लगा हुआ है, तो इसको सील को ब्रेक करना पड़ेगा पहले, और फिर इसको निकाल लेते हैं। सबसे पहले मिला है मोबाइल, कुछ इस तरीका है। फ्रंट में डिस्प्ले है, बटन्स है। करते इसको साइड में और देखते हैं बाकी क्या क्या है इस डब्बे के अंदर। एक यूज़र मैनुअल मिला है इसके साथ, कुछ इस तरीके का। इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं और रख भी सकते हैं। और बस इसमें है क्या है अंदर, एक बैटरी है इसका, बैटरी को हम लगाएंगे बाद में मोबाइल पे। और एक बस चार्जर मिला है इसके साथ, चार्जर को इस तरीका का है। चार्जर निकाल के देखते हैं कैसा है। चल, कुछ इस तरीका का दिखता है ये। इसका रेटिंग देख लेते हैं, रेटिंग कितना है, फोकस करके देख लेते हैं। हाँ, इसका रेटिंग आपको दिख रहा होगा, ये 400 से 700 मिली एम्पियर का आउटपुट ये सपोर्ट करता है। आउटपुट जो है ये अप टू 11 वोल्ट तक है और 700 मिली एम्पियर तक सपोर्ट करता है ये। तो एक नॉर्मल चार्जर है। और इसका पिन कैसा दिखा दे, इसका पिन है, इसका पिन कुछ इस टाइप का मिलता है, ठीक है। चलिए इसको साइड में रख सकते, पहले बैटरी पे नज़र डालते हैं। बैटरी कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। और यहाँ पे लिखा है ये 1000 mAh का बैटरी मिलेगा आपको। तो आप बैटरी को फ़ोन में इंसर्ट करते हैं और फ़ोन को ऑन करते हैं। तो हम बैटरी को अभी डालने वाले हैं इसके अंदर। तो बैटरी लगा दिया हमने और इसको कर देते हैं। और यहाँ पे एक मिनट बैटरी को हटा के देख, यहाँ पे और एक चीज़ है मैं दिखा देता हूँ। ये डुअल सिम सपोर्ट करता है, हाँ डुअल सिम है, एक्सेप्ट जियो, जियो छोड़ के बाकी सब कुछ चलता है। यहाँ पे एयरटेल हो गया, VI हो गया या फिर आइडिया, ये सब चलता है। और यहाँ पे साइड में यहाँ पे मेमोरी कार्ड का स्लॉट भी दिया गया है। तो बैटरी को लगा लेते हैं। तो बैटरी हमने डाल दिया है और अब इसको ऑन करते हैं। तो चलो इसको ऑन करो, नॉर्मली जैसे रेड बटन को प्रेस करना पड़ता है, तो ये ऑन हुआ रहा है। और ऑन होते ही आपको यहाँ पे दिखेगा कि आईकॉल का लोगो यहाँ पे आएगा और ऐसे बूट होगा कुछ इस तरीके से। और ये मोबाइल ऑन भी हो गया है, आप देख सकते हैं। वो फोकस में दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके का इंटरफेस है इसमें। और इसमें अभी चार्ज एक ही है, आप देख सकते हैं। और इसका मेनू है यहाँ पे, मेनू में यहाँ पे सब कुछ दिया गया है।
तो इसमें ओके कर देते हैं। ओके करके आप ये जो ओके है ये काम नहीं, ऊपर वाला ये मेनू है आपका, देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है। चलो इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे डुअल डिस्प्ले है, जैसे आप इसको फोल्ड करेंगे तो इसका ऊपर वाला जो डिस्प्ले है ये ऑन हो जाता है। और यहाँ पे आपका फ्लिप फॉस का बटन है, आपको दिख रहा होगा इसमें क्या है कि आप जो बीच वाला बटन है ये वाला, इस पर गाना को प्ले पॉज करने के लिए और इसको आगे पीछे करने के लिए, गाना को आई मीन फॉरवर्ड और बैकवर्ड के गाना सॉन्ग प्ले करने के लिए बटन से यूज होता है यहाँ पे। और अगर हम नॉर्मली इसको एक बार प्रेस भी करेंगे तो इसका डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आपको टाइम, डेट और डे शो करता है, ऊपर में नेटवर्क ऑपरेटर शो करता है, और यहाँ पे चार्जिंग इंडिकेटर कितना है वो शो करता है। और ये एक नोटिफिकेशन डिस्प्ले की तरह भी काम करता है, अगर आपका कॉल आता है तो यहाँ पे शो करता है कॉलर का आईडी ऊपर में, और बाकी यहाँ पे चार्जिंग के टाइम भी यहाँ पे भी शो करता है। और 10 सेकंड बाद ये जो डिस्प्ले ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, फिर जब ऐसे भी आप अगर इसको ओपन कर दो फोल्ड को तो भी ये ऑफ हो जाता है। दिखाते हैं एक बार करके इसको फोल्ड कर ओपन करके, देखिए ऑफ हो गया बाहर वाला डिस्प्ले और अंदर वाला ऑन हो गया, तो कुछ इस तरीके का है। और बाकी इसमें अगर डिटेल में इसका मेनू में मैं अगर एक बार फिर से दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या, तो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है इंटरनेट का ऑप्शन है, सबसे पहले इंटरनेट है, इंटरनेट में आप सर्च कर सकते हैं। इसमें 2G इंटरनेट सपोर्ट करता है क्योंकि ये कीपैड मोबाइल है। और इसमें नीचे आपका गूगल का ऑप्शन भी दिया गया है डेडिकेटेड, आप देख सकते हैं गूगल का ऑप्शन भी है। और मल्टीमीडिया है, इसमें ब्लूटूथ भी है और फाइल्स मैनेजर में है। और इसमें जो है 64 MB का स्टोरेज है और 32 MB का रैम है, और बाकी आपका जो दूसरा स्टोरेज है वो मेमोरी कार्ड से होता है। और माई फाइल्स में आप जाएंगे तो आपका पूरा मेमोरी कार्ड डिटेल्स दिखेगा, और मल्टीमीडिया में जाएंगे तो आप वहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मल्टीमीडिया में क्या है दिखाता हूँ। इमेज भी है, जो इमेज है आपका मेमोरी कार्ड में वो दिखाएगा। साउंड रिकॉर्ड है, एफ एम रेडियो वायरलेस FM है, मैं चला के दिखाता हूँ। ऑन हो गया, आप सुन पा रहे होंगे, इसका स्पीकर पीछे के साइड में है, सुनाई दिया होगा। ये वायरलेस FM है, यानी आपको बिना ईयरफोन जैक आपको इसमें लगा बिना लगाए आप इसको चला सकते हैं FM। फिर कैमरा है, कैमरा आपको दिखा देता हूँ। कैमरा यहाँ पे 0.3 MP का मिलता है, कुछ खास कैमरा इसमें है नहीं, बाकी फ्लैश नहीं मिलता इसमें। और इसमें ऑडियो प्लेयर है गाना प्ले करने के लिए, तो इसमें मेमोरी कार्ड नहीं डाला है अभी, तो इसलिए ये नहीं प्ले होगा। बाकी कुछ इस तरीके का है, अलार्म सेट कर सकते हैं, कैलेंडर है, फ़ोन बुक है, कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट इसमें 500 कॉन्टैक्ट सपोर्ट करता है। इसमें मैसेजेस भी है, मैसेजेस में आप सिम लगाएंगे तो सिम हमने अभी लगाया नहीं, तो ये है सेटिंग्स में सिम का सेटिंग, साउंड डिस्प्ले फ़ोन सब कुछ है। कनेक्टिविटी इसमें 2G है, तो ये कुछ डिज़ाइन इस तरीके का मैंने जैसे बताया कुछ ऐसा ही है। तो यही था इसका अनबॉक्सिंग और थोड़ा सा ओवरव्यू प्रोडक्ट का। इसका रिव्यू हम नहीं करेंगे क्योंकि ये हम अभी तक ज़्यादा यूज़ नहीं किए, एक्चुअली इसको यूज़ करने के बाद इसका परफॉर्मेंस जैसा मालूम हो चलेगा उसके ऊपर हम दूसरा एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन वो भी अगर इस वीडियो का आप लोग सपोर्ट करते हैं, अगर लाइक करते हैं तो इस वीडियो पे हमारा एटलीस्ट 50 लाइक्स, ज़्यादा नहीं 50 लाइक्स का टारगेट है। अगर हमें 50 लाइक्स इस वीडियो में मिलेगा और तो ज़रूर हम इसका रिव्यू पार्ट लेके आएंगे। तो यही था कुछ इसका, बाकी फिजिकल ओवर भी मैं दिखा देता हूँ। ये पूरा रबर का है बना हुआ, पूरा रबर का फिनिशिंग है, ये ऊपर सब कुछ प्लास्टिक है, एक स्क्रीन गार्ड चढ़ा हुआ है इसके ऊपर, ये रबर का रबर पैडिंग है पीछे पे भी, ये बहुत ही स्मूथ रबर का यहाँ पे फिनिशिंग दिया गया है जो अच्छा ग्रिप देता है। बाकी ये कुछ इस तरीके का दिखता है इसमें। हाँ, इसमें 3.5 mm का जैक मिलता है और नीचे चार्जिंग पोर्ट मिलता है, तो इसको जैसे आप फ्लिप बंद करेंगे इसको आप तो जैसे आप इसको फ्लिप को बंद करेंगे, देखा सेकेंडरी डिस्प्ले ऑन हो गया। तो यही था आज का आईकॉल K65 फ्लिप मोबाइल का अनबॉक्सिंग और थोड़ा सा ओवरव्यू। तो चलिए वीडियो यही पेंट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो लोग अभी तक नहीं किया है, और हमारे सारे वीडियोस को वॉच आउट करते रहना। तो